अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तुहाडा सरदार इकबाल ते तुसी देख रहे हो सरदार इकबाल ऑफिशियल चैनल। जिवें कि असीं तुहाडा वादा कीता है कि जिहड़ा जिहड़ा बंदा अपने काम का किंग होगा असीं तुहाडे नाल जरूर मुलाकात करावांगे। अज दे किंग जिहड़े ने पूरे पाकिस्तान च अपने काम के वाहद यानी कल्ले अपने काम के किंग तशरीफ लिया रहे साडे कोल जनाब दास्तान गो बदर खान साहब। शुक्रिया बदर खान जी, तुसी बड़ा टाइम कढ़िया और तशरीफ लिया, मैं बड़ा मशहूर हूँ तुहाडा। सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया, आपका हुक्म था तो हम हाजिर हैं। तो मैं भी अब उर्दू में ही बात करूँ आपके साथ? उर्दू में कर लें, पंजाबी में कर लें, एक ही बात है, कोई ऐसी बात नहीं। कोई आपको जरा उर्दू नजदीक पड़ती है, मुझे दूर पड़ता है, कोई ऐसी बात नहीं, हम दोनों जुबानों में बात। अच्छा बदर खान साहब, मैं आपसे इतना पूछना चाहूंगा कि आपने माशाल्लाह यहाँ आकर कितना ही काम तब्दील किया। पहले आप आए लाहौर में तशरीफ लाए, बहावर नगर से आपने अपने फनी सफर का आगाज किया, लाहौर में आ गए, आपने थिएटर भी किया, टेलीविजन पे भी काम किया जी, फिर आपने राइटर भी बने, अपने इंडिया की फिल्म भी लिख रहे हैं जी, फिर आप दास्तान गो गए, ये तो बहुत मुश्किल तरीन काम था, तो ये आपने कैसे बड़ी आसानी से कर लिया? नहीं जी, इतनी आसानी से तो नहीं किया, शुरू से करते हैं। मैं आपको शुरू से अपना सफर बताता हूँ कि मैं समझ लें तो मैं अपनी पूरी फैमिली में वाहिद आदमी हूँ जो इस फील्ड में आया। मेरी सारी फैमिली मजहबी घराना है। अच्छा, मुझे मालूम है। हाँ जी, आप जानते हैं। तो मुझे शौक था ड्रामे में काम करने का, घर से भागा, लाहौर में आ गया। लाहौर में आकर फिर भी मेरी मुलाकात एक हस्ती सी हुई, मैं उनको शागिर्द हुआ, वो मेरे उस्ताद हैं और वो मेरे साथ बैठे हैं। मैं सरदार इकबाल साहब का शागिर्द हूँ जी। तो ये मुझे थिएटर में लेकर, बड़ी आपने अजीब बात की है कि जो फनकार हिट हो जाता अपने अपने काम में, जो भी हिट रहता वो सबसे पहले उस्ताद को तो भूलता, अपने उस्ताद को कैसे याद रहता? जी नहीं, आप हमेशा हमेशा मुझे याद है और इंशाल्लाह मरते दम तक याद रहेंगे, क्योंकि आप मेरे उस्ताद हैं, आप मुझे इस फील्ड में लेकर आए। जन्म जन्म की मेरी चादर, आपको याद होगा, आप उस वक्त वो ड्रामा कर रहे थे, तो ये उस वक्त मैं आपके पास आया, उस ड्रामे में एक छोटी सी एंट्री मिली, काम शुरू किया, थिएटर करते रहे, आपके साथ काफ़ी सारा काम किया, फिर अलहदा हो गए, फिर आपकी बात मुझे, आपके साथ रहते थे सरदार, मैं हाजरीन को अपने नाजरीन को बताता हूँ कि सरदार साहब के साथ रह रहे हैं, इनका पर्स हमारे पास है, वही खर्चे हो रहे हैं, वही खाने पक रहे हैं, तो समझिए तो वो जो घर से वो आग जो दिल में लेकर आए थे, वो ऐसा ऐसा इनको लगा कि ठंडी हो रही है। तो मुझे एक दिन कहने लगे सरदार साहब के बेटा, पंजाबी में कहा कि बोर थल्ले दरख्त वड्डे नहीं होंगे। मैं समझा नहीं बात, फिर उन्होंने आसान लफ्जों में समझाया कि बेटा मेरे साथ रहते रहोगे, तो ऐसे ही है, रिहर्सल पर चले गए, ड्रामे में चले गए, वहाँ पर एक आध सीन कर लिया, थोड़ा थोड़ा लहदा होके थोड़ा अपना काम करो, थोड़ा स्ट्रगल करोगे, तुम्हें पता होगा पैसा कमाना है, नाम बनाना है, तो ज़रा लहदा हो, तो बात समझ में आ गई। फिर यहाँ से हम फैसलाबाद चले गए, वहाँ पर बड़ा काम किया, फिर बाहर निकले तो पता चला कि पेमेंट क्या होती है, काम कैसे करना है, काम सीखा भी, हिट भी हुए, नाम भी कमाया, फिर पूरे पाकिस्तान में हमने काम किया, तो फिर जाके वो थिएटर वाला सफ़र शुरू हुआ। फिर थिएटर के लिए लिखना भी मैंने इन्हीं से सीखा, ना सिर्फ इन्हीं से बल्कि अल्लाह जन्नत में जगह दे महबूब राल साहब को, वो थिएटर से लेके मैं, क्योंकि मैं लिख लेता था तो एक बंदा चाहिए था जो रीराइट कर सके, मतलब मैं खुद तो राइटर नहीं था। नहीं, बब्बू साहब का आपने बहुत हिट ड्रामा मेरे ख्याल चुप लिखा था। नहीं जी, वो था खरियां खरियां खरिया खरिया, जो बाद में मैं कहा सज्जे खब्बे के नाम, सज्जे खब्बे के नाम से वो जी जी जी, वो मैंने भी बाबू साहब का प्ले किया था। जी आपने किया था, मैं उसका कैरेक्टर था, वो मुर्दे वाला, मुर्दे उठाने वाला कैरेक्टर था वो। तो मुझे बाबू साहब अल्हमरा से अल्हमरा में ड्रामा कर रहे थे, तो मुझे साथ लेकर कि तुम लिख लेते हो, अच्छा जी हाँ मैं लिख लेता हूँ, तो वो बोलते जाते थे, मैं लिखता जाता था, वहाँ से थोड़ी मेरी ट्रेनिंग हो गई। उसके बाद फिर मुझे मिले सरदार साहब के उस्ताद, यानी मेरे दादा उस्ताद, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, तारिक जावेद साहब। अब सरदार साहब और तारिक जावेद साहब दोनों बैठकर, थिएटर का अरूज का जमाना था, तो ड्रामे लिखा करते थे, तो मैं बीच में, सरदार साहब बोलते थे और तारिक जावेद साहब बोलते थे, तो मैं बीच में लिखता रहता था। अब ये ट्रेनिंग हो रही है, आप जरा इसको अंदाजा कीजिए कि ट्रेनिंग हो रही है मेरी लिखने की, कि एक्ट क्या होता है, कैरेक्टर्स को कैसे इंटर करेंगे, कैसे उसको निकालेंगे, स्टेज क्या है, सेट कैसे लगेगा, क्या क्या प्रॉप्स चाहिए होगी। फिर हमारी बहुत बड़ी डायरेक्टर थिएटर की दुनिया में, उनका नाम एक सदियों तक याद रहेगा, मोहतरमा नाहिद खान साहिबा, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। तो उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, मुझे कहने लगे इधर आओ, तुम लिख लेते हो। मैंने कहा जी जैसा आप समझ रही हैं वैसा नहीं, आप बोलते जाएंगे तो मैं लिख लूंगा। कहते हाँ मुझे भी ऐसा ही बंदा चाहिए। तो लेके मुझे घर, तो मैडम भी वैसे ही, ये लिखो ये लिखो ये लिखो, तो मैडम के मैंने काफ़ी सारे ड्रामे लिखे। फिर रिहायश की प्रॉब्लम थी तो मैडम के घर में रहने लगे,
तो रहते भी रहे, साथ काम भी करते रहे। अब काफी तजुर्बा हो चुका था कि ड्रामा लिखा कैसे जाता है, उसकी करेक्टराइजेशन कैसे होती है, कितने लोग चाहिए होते हैं, क्या क्या। तो मैंने फिर पहला ड्रामा लिखा, सुहेल अहमद साहब ने एक ड्रामा किया था, बड़ा मजा आया। हिट ड्रामा था, ये थिएटर की तारीख था, सुपर हिट ड्रामा था। तो ड्रामा देखते देखते फिर मैंने जहाँ पर सुहेल साहब ने उस ड्रामे का एंड किया था, उसकी लास्ट लाइन थी, वो डेथ होती है एक करेक्टर की, तो एक दूसरा करेक्टर कहता है कि हाय अब्दुल्ला तुम्हारी आई, मैं क्यों ना मर गई। उसी बात को लेकर मैंने वहीं से शुरू किया। तो मैंने पूरा ड्रामा लिख दिया, जाकर सुहेल साहब को बताया, बड़े हैरान हुए, खुश भी हुए, शाबाश दी, कहने लगे यार बड़ा अच्छा, मैंने तो खत्म कर दिया था वो ड्रामा, लेकिन तुमने, मैंने कहा जी मैंने वहीं से शुरू किया। वो ड्रामा भी काफी चला, वो फिर बड़ा मजा आएगा पार्ट टू, फिर ये सिलसिला चलता। आप लेखककार भी इस तरह बन गए, ऐसे हुआ तो गुलकारी भी आप कर लेते हैं। मैंने वो पैरोडी की हद तक जी, पैरोडी की हद तक एक शो किया हमने, जब से आप दास्तान को बने हैं तो ये सब जी वो खत्म हो गया, खत्म कर दिया, छोड़ दिया जी। वो दुनिया टीवी पर हमने शो किया था हरी मिर्चे, तो पैरोडी और सटायर, वो पैरोडी कवालियां करने का, मैं और बब्बू राणा, हमने 32 कवालियां की, और वो अब आगे हिट हुई है। कैसी बात। अच्छा नहीं, थिएटर आपने फैडअप होके छोड़ा या क्या मसला? थिएटर पर ये सफर चलता रहा, फिर वक्त एक ऐसा आया कि मतलब मैं हिट होते होते बच रहा था। नहीं आप कहेंगे हिट हो भी गए थे। हिट होता होता बच रहा था। अच्छा मेरे दोस्त थोड़ा मेरा मजाक भी उड़ाते थे, और थोड़ा वो जो काम था थिएटर वाला, उसकी थोड़ी सी वो सिम चेंज हो गई, थोड़ा बात करने का अंदाज, थिएटर का मजाज थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया। तो मैं उसमें ना फिट आ भी रहा था और नहीं भी आ रहा था, बात कर रहा था। अच्छा वो मैं ऐसा खुदा के वास्ते ऐसा मत समझिएगा कि मैं थिएटर को बुरा कह रहा हूँ या अपने साथियों के काम को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं उसमें फिट नहीं हो पा रहा था। वो जो थोड़ा लैंग्वेज भी चेंज हो रही थी, फिर टांस वांस भी आ गए, अब वो कर तो मैं रहा था लेकिन अंदर से ना वो अजीब सा। आपको याद होगा कि मैं हर रात थिएटर खत्म करने के बाद आपसे आकर कहता था कि उस्ताद जी मैं फेडअप हो गया इससे, मेरा नहीं दिल कर रहा। और आपने ये भी कहा कि अच्छा यार तुमने तो सर पे सवार कर लिया है, जाने दो, तुम अपनी एंट्री किया करो, निकल जाया करो। मैं कैसा कब तक चलेगा। मुझे आपकी बातों में से तारे जो साहब की एक बात याद आ गई, वो जब आपको देखा करते थे वो कहते थे ये तबो का वालिद जमील साहब को, जमील साहब शक्ल मिलती है। मैंने फिर उनकी फिल्म देखी गौर से, तो काफी आपकी उनसे मशावत है मिलती है। बदर साहब जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि ओमपुरी साहब को भी पाकिस्तान में आप लेके। जी 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 जी। तो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओमपुरी साहब क्या बात है, उनके बारे में मेरे जैसा आदमी क्या बात कर सकता है। बात हम उन दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक शो कर रहे थे, अब भी उस शो में थे, तो जो यूनिवर्सिटी के ओनर थे, जो डायरेक्टर थे एवेस रऊफ साहब, वो बड़े कदरदान और बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा थिएटर में कुछ नया होना चाहिए, कुछ इंडिया से हम कुछ आर्टिस्ट बुलाते हैं। कहते बताओ कौन। मैंने कहा जी फारूक शेख साहब और शबाना आजमी साहिबा एक ड्रामा करते हैं तुम्हारी अमृता करके, वो दो लोग थे, दो कैरेक्टर थे, वो खत पढ़ते थे, तो हम उनको बुलाते हैं, तो बड़ा फैमिली के लिए बड़ा अच्छा। कहने हाँ बुला लो। तो मैंने कहा जी मैं तो चलो बुला ही सकता हूँ, बाकी तो जो उसके जो अखराजात हैं उनका, उसकी तुम फिक्र ना करो, वो यूनिवर्सिटी बर्दाश्त करेगी, आप बुलाइए। तो मैंने अब बात करना शुरू कर दी, देखना शुरू कर दिया। उनके एक म्यूजिशियन थे सिंह करके उनका नाम था, तो उनसे बात हुई। 3-4 दिन बाद पता चला कि फारूक शेख साहब की दुबई में डेथ हो गई, तो बड़ा अफसोस हुआ। फारूक शेख साहब बड़े अच्छे आर्टिस्ट, बड़े अच्छे भाई साहब। तो अब वो बात, अब मैंने कहा यार देखो यार वो क्या कर सकते हैं। तो मैं नेट पर सर्च कर रहा था, तो अचानक मेरी नजर पड़ी, अब उस ड्रामे का नाम था तुम्हारी अमृता, एक ड्रामे की नजर पड़ी, मैं देखा उसका नाम लिखा था तेरी अमृता। तो ओमपुरी साहब और दिव्य दत्ता दोनों की फोटो लगी हुई है, तो पता चला कि ये उसी ड्रामे का पंजाबी वर्जन है। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छी बात है, ये तो पंजाबी में है, सेम ड्रामा पंजाबी में है। फिर साथ ही ओमपुरी साहब ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्टेटमेंट दी कि मरने से पहले एक बार लाहौर देखना चाहता हूँ। तो मैं खुद आर्टिस्ट, मैंने कहा पता नहीं अब इनका कितना दिल करता होगा पाकिस्तान और लाहौर देखने के लिए। मैंने नंबर वंबर लिया, फोन किया, बात हुई उनसे, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। कहते जब से मैंने ये स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान से मुझे बहुत लोगों की कॉल्स आई हैं, मुझे लोग बुलाना चाहते हैं, तो मैं वो ड्रामा करने के लिए तैयार। बड़ी खुशी वाली बात थी। प्रोसेस किया, वीजा वा तो मिला, तो दिव्य दत्ता और ओमपुरी साहब पाकिस्तान आए। यहाँ पर हमने अलहमरा में उनका शो किया, 3 शोज किए उसके, और बड़ा ज़बरदस्त। और फिर वो उनका आना जाना लगा रहा, फिर उन्होंने फिल्म भी की। तो उनकी वो जो इच्छा थी, जो उनकी ख्वाहिश थी कि मरने से पहले एक बार लाहौर देखना चाहता हूँ, वो
मेरे जरिए से वो पूरी हो। मैंने सुना कि जब वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान जा रहे थे बॉर्डर क्रॉस करते हुए वो रोने लगे। जी रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू थे यहाँ तक और लिटरली रो रहे थे। तो हम सब जो इतने वो उनको सी ऑफ करने के लिए आए हम सब लोग रो रहे थे। वो उनको इतना हो गया था, बस ये है कि वो टाइम उनके पास थोड़ा था। नहीं ऐसे मानते हैं कि ओम साहब दुनिया से चले गए लेकिन वो दरअसल क़यामत तक हमारे दिलों में जिंदा है। जी जी, वो उनका नाम और उनका काम। फिर हम जब इंडिया गए, जब मुंबई में गए, तो ओमपुरी साहब ने पंजाबी में कहते ना छां कर दी, वो छां कर दी उन्होंने। वो सारे काम छोड़कर उनके घर से खाने आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं, किसी किस्म की कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। बरखा साहब आपने हिंदुस्तान में और भी शो किए हैं। जी 2012 में हिंदुस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ, पहला शो हमने किया लाफ इंडिया लाफ। ठीक है जी, वो हम पाकिस्तान से ही हम आप मैं और नसीम विक्की साहब थे। जी बिल्कुल जी, वो विक्की साहब ने वो शो विन किया था जी। वो तो पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात थी। फिर उसके बाद दोबारा मुझे वो हमारे डायरेक्टर साहब ग्रेट आदमी है पंकज सरस्वत, पंकज साहब ने फिर मुझे दूसरे शो के लिए बुलाया जी टीवी पर। वो शो था उनका गैंग्स ऑफ हसीपुर, उसके लिए वो मैं अकेला गया, उसके एपिसोड किए। फिर मैंने फिर अभी 2016 में उन्होंने मुझे बुलाया फिर से, तो पाकिस्तान से मैं और जफरी खान और गोशी टू जिसको हम कहते हैं हमारा आर्टिस्ट, यानी हमारे पाकिस्तान का बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट वहाँ जा चुका है जी। वहाँ पर गए, हमने शो किया मजाक में और वो शो हमने विन किया। वाह, चार टीमें थी पंजाबी, यानी कि हर बार जीत जो पाकिस्तान के नसीब में आई जी आई। बस वो समझे तो वो काम की, वो पाकिस्तान की जीत। अच्छा बदर, जब हम थिएटर किया करते तो हमारी ऑडियंस तो अब बिल्कुल अलग है जी। अब आप दास्तान गो हो गए, तो आपकी ऑडियंस तो वो ऑडियंस है कि अगर उनकी अदालत में किसी का भूले से भी फोन बच जाए उसको वो सजा दे सकते हैं, कैद दे सकते हैं। ऐसा ही है। तो आपको कभी खौफ नहीं है कि आप उस ऑडियंस को ये कह रहे थे कि आप अपने फोन बंद कर दें? पहले तो मैं वो वहां से लेना चाहता हूँ कि ये दास्तान गोई का सफर कहाँ से शुरू हुआ। मैं आपको बता रहा था कि जब थिएटर से मैं थोड़ा परेशान था, थोड़ा फेडअप था, मैंने थिएटर छोड़ ही दिया, जाना ही छोड़ दिया। तो अब मैं सोच रहा था कि और कोई काम भी नहीं सीखा, क्या करें समझ भी नहीं आ रहा था। तो दुआ भी की अल्लाह कुछ ऐसा हो जाए कि मैं तो कारोबार भी नहीं कर सकता, कुछ ऐसा हो जाए कि इसी फील्ड में भी रहूं तो काम भी चेंज हो जाए। तो YouTube पर मेरी नजर पड़ी दास्तान गोई पर। दास्तान गोई हो रही है, मैंने देखा तो हिंदुस्तान में हो रही, पाकिस्तान में तो वजूद ही नहीं था। आपसे पहले कोई नहीं था तो कराची में एक लड़का, एक साहब थे फवाद खान करके, वो थोड़ा कर रहे थे, आप भी करते हैं। तो मेरी नजर पड़ी, पता चला जी शमसुर रहमान फारूकी साहब हैं, उर्दू अदब के बहुत बड़े वो मुसन्निफ और नक्काद हैं। तो उन्होंने दास्तान गोई के रिवाइवल के लिए काम किया है और उनके भतीजे थिएटर में आप मेरे उस्ताद हैं और मेरे दास्तान गोई के उस्ताद हैं महमूद फारूकी साहब, उनके भतीजे। पिपली लाइव करके उन्होंने फिल्म भी डायरेक्ट की है आमिर खान साहब को। वाह, तो पता चला कि शमसुर रहमान फारूकी साहब दास्तान गोई के रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं। उन्हीं दिनों फैज फेस्टिवल हुआ, फारूकी साहब पाकिस्तान आए। अच्छा, तो पार्क टी हाउस में उनके एजाज में एक शाम रखी गई, इंतजार हुसैन साहब भी उनके साथ थे। अब मैं अंदर गया तो वहाँ पर सारे पार्क टी हाउस में बैठने वाले लोग थे, सहाफ़ी थे और अदबी लोग थे, उनमें से कुछ मुझे पहचानते भी थे। तो मुझे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि तुम जहाँ क्या लेने आ गए हो, तुम्हारा क्या काम हो, तुम जाओ चुपते उठते करो, अब मुझे मिलने का शौक है। बहरहाल जी, मैं मेरी फोटो नहीं को बना रहा था फारूकी साहब के साथ, आप अंदाज़ा करिए, मेरी फोटो कोई नहीं बना रहा था उनके साथ। बारा जी, ये फारूकी साहब बैठे हैं, ये इंतजार हुसैन साहब, और ये मैं ज़मीन पर बैठा। वहाँ पर मैंने कोई तीन चार बातें भी की, फनी झुकते भी किए, तो लाफ्टर भी आया, तो थोड़ा सा तारुफ भी हो गया। उसके बाद मैं घूम कर वापस पीछे फारूकी साहब के कान में मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान में दास्तान गोई पे काम करना चाहता हूँ। तो बड़ा रिएक्ट किया उन्होंने, बड़े खुश हुए। मैंने कहा जी मैं इजाज़त आपसे लेने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए और दुआ लेने के लिए आपको मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। उन्होंने मेरा माथा चूमा, इजाज़त दी और दुआएं दी कि जरूर करो, चलो पाकिस्तान से भी कोई आवाज़ आई कि यहाँ भी कोई दास्तान गोई के लिए काम करना चाहता है। तो वहाँ से ये सफर शुरू हुआ। तो पहली दास्तान जो थी वो उसकी स्क्रिप्ट अब मुझे पता नहीं था, लिखी स्क्रिप्ट जो फारूकी साहब ने, महमूद फारूकी साहब ने दास्तान वो मंटोयत करके, मंटो साहब की लाइफ पर, उनके काम पर लिखी मंटोयत। अब आपके पास दास्तान गोई में कौन कौन से ऐसे स्क्रिप्ट हैं जो आप कर सकते हैं? पहली दास्तान जी दास्तान मंटो उस्ताद जी के स्क्रिप्ट में वो सुनाई, दास्तान लाहौर भी आप कर रहे हैं। उसके बाद फिर अब ये भी एक वाक्य है समझे कि दास्तान गोई पहली कैसे शुरू हुई। अब वो दास्तान की स्क्रिप्ट मैंने मंगवा ली, अब याद भी कर ली, अब समझ नहीं आ रही कि किसको सुनाऊं, इसका गाहक कौन है, इसकी मार्केट कहाँ है, थिएटर तो चलो थिएटर होता है, टीवी भी होता है, ये मैं किसको सुनाऊंगा।
तो अखबार में देख रहा हूँ कि वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का एक ऐड आया जी, तो कामरान लाशारी साहब उसके डीजी हैं। अब लाशारी साहब को हम अब जानते हैं, पहले वो सेक्रेटरी रहे कल्चर के। मुझे इतना याद था कि जब हम अलहमरा में ड्रामा किया करते थे तो जुल्फी साहब और मत्तू साहब वो करते थे, तो अक्सर कहा करते थे ओए कोई वल्गर बात ना करना, लाशारी साहब बैठे हुए हैं, कामरान लाशारी साहब, लाशारी साहब बैठे हुए देख रहे हैं। तो मैंने कहा ये बंदा मेरे किसी काम आ सकता है, तो मैं उनके ऑफिस गया, वॉल्ड सिटी के ऑफिस गया, तो एक पेपर के एक चिट के ऊपर मैंने लिख कर भेजा, उनके पीए को दिया, बदर खान दास्तान को, कॉन्फिडेंस के साथ मैंने लिख के अंदर गया। उन्होंने कहा साहब अंदर मीटिंग चल रही है, तो आप बैठिए, तो अभी बुलाते हैं। अब जैसे चिट अंदर गई ना जी, तो एक या दो मिनट के बाद वो उनके वो जो पीए थे लगे वो साहब आपको बुला रहे। वाह। अंदर गए तो उनका सारा स्टाफ बैठा हुआ है, तो मुझसे कहने लगे कि आप दास्तान को आए? मैं जी। तो वो अपने स्टाफ से कहने लगे लो जी प्रॉब्लम हल हो गए। मैं हैरानी से देख रहा हूँ, चाय वाय भी आ गई। मैं कहने लगे बद्र साहब ये वॉल सिटी का सारा हमने वो जो रेनोवेट करना और वो कला और वो सारी चीज़ें हमने नए सिरे से उसको रेनोवेट किया है, वो बड़ा अच्छा उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बना दिया। लाशारी साहब आपको पता अच्छा आठ नंबर और शौकीन आदमी है। अब उन्होंने वो बना दिया, तो हम दास्तान को ढूंढ रहे थे कि जो दास्तानें भी सुनाए, क्योंकि बादशाहों के दरबारों में ये दास्तान गोई की महफिल होती थी। पाकिस्तान में पंजाब में हमने सर्च किया तो गाने वाले जो गा के मिर्जा साहिबा और सोनी मनीवाल सुना, थिएटर पुराना थिएटर पुराना थिएटर अब्बास जट फजल जट साहब, हाजी आलम लोहार साहब, लोहार साहब नेसन भट्टी साहब जी, भट्टी साहब अब उनका बड़ा नाम है मुस्तादों में है। अब उनके जी वो मिल रहे थे हमें, वो जो ट्रेडिशनल जो दास्तान को जो बैठ कर किस्सा सुनाने वाला वो नहीं मिल रहा था। तो आप उस तरह के हैं? अभी हमने सर्च किया तो मेरा स्टाफ मुझे बता रहा था कि इंडिया में लोग हैं महमूद फारूकी साहब और दानिश हुसैन उनके दोस्त और साथ, तो वो करते हैं, तो हम उनको बुलाने का सोच रहे थे। मैंने कहा जी आपकी तलाश पूरी हो गई, महमूद फारूकी साहब मेरे उस्ताद हैं, मैं उनका शागिर्द हूँ। तो कहने लगे बस ठीक हो गया, तो कौन सी दास्तान सुनाओगे? मैंने कहा जी अभी मैंने एक ही दास्तान तैयार की है, उसका नाम मंटोयत है, हम उसका नाम दास्तान मंटो रख सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो मस्जिद वजीर खान चौक में उन्होंने अगले ही वीक में दास्तान कोई अनाउंस कर दी। मैंने कहा साहब जगह चेंज कर ले, मंटो और मस्जिद दोनों साथ साथ। कल अगर नहीं उसकी तो टेंशन मत लो, कर ले। इससे पहले भी वहाँ पे उस मैदान में दास्तान कोई होती रही? जी हाँ होती रही। वहाँ पर मस्जिद के नीचे एक सराय है, अब भी है, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। तो ताजर पिशावर से काबुल से ईरान से चलते यहाँ पर आकर वो अपना उन कमरों के अंदर सामान रखते। जब लाहौर आठ दरवाजों के अंदर होता अंदर होता था तब की बात, बारह दरवाजे लाहौर के, बारह दरवाजे और तेरवा मोरी दरवाजा। अब वो ताजर क्या करते हैं, उन कमरों के अंदर सामान रखते हैं, उनको तारा लगाते हैं, तो बाहर चौक में आ जाते, वहाँ पर उनको दास्तान को मिली। तो वहाँ पर दास्तान गोई की महफिल होती थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी जगह बनाई, वहाँ पर महफिल सवा हुआ करते थे। तो वहाँ पर दास्तान भी रखी, मंटो दास्तान मंटो रखी। तो लाशारी साहब ने मंटो साहब की दोनों बेटियाँ, मुझे बताया नहीं, नुजत आपा और निगत आपा, उन दोनों को भी बुलाया। अब वो बैठी, दास्तान शुरू हुई, मैंने सुनाई, बड़ी पसंद की गई उन्होंने मुझे, पढ़ा कि हमारे बाप की इतनी अच्छी दास्तान, मंटो साहब की बेटियां वो मेरे लिए बड़ी एजाज की बात, बड़ी। और लाशारी साहब अगर मुझे वो पहले बता देते तो हो सकता है मैं वो सुना ना सुना, क्योंकि उनकी ही तो वो बातें थी। बहरहाल जी शो के बाद उनसे इंट्रोडक्शन हुआ, तो बड़ी उन्होंने अप्रिशिएट किया, बड़ा पसंद किया। दूसरे दिन मुझे इस्लामाबाद क्लब से फोन आया कि मदर साहब रात को हम कहीं लाहौर में थे तो हमने आपकी दास्तान सुनी, तो हम आपको अपने क्लब में बुलाना चाहते हैं। अब मुझे इस्लामाबाद क्लब का कतई तौर पर नहीं था, कैसी जगह है, कौन है, क्या है। अब इससे पहले चाहे उसे क्रिकेट क्लब समझते हो या स्नूकर क्लब समझते हो, ऐसे ही समझ नहीं, पता ही नहीं उसका। तो मैंने लाशारी साहब से डिस्कस किया, सर वो मुझे फोन आया इस्लामाबाद क्लब से, वो मुझे लगे बड़ी जगह है वो, समझो तुम्हारी कामयाबी शुरू हो गई, तुम्हारा सफर शुरू हो गया, तुम्हें जाना चाहिए, जाओ जरूर जाओ, और बस समझो खुश हुए, बहुत खुश हुए लाशारी साहब। लाशारी साहब ने मेरे काम को बहुत सपोर्ट किया। गए जी इस्लामाबाद क्लब, वो नई जगह, बड़े बड़े लोग और ऑडियंस भी, आप अंदाजा करें कि वहां पर मुझे इस काम का जब एहसास हुआ, शो खत्म हुआ तो एक बुजुर्ग आए व्हील चेयर पर थे, मेरे गले मिलो। मैंने कहा अच्छा जी भी मिला। कह लगे मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे जी नहीं, मुझे नहीं पता, मैं सर सैयद अहमद खान का पोता हूँ। तो खुश कर दिया आपने, कमाल कर दिया, ये हो गया वो कि बड़ा अच्छा। फिर और लोग मिले इस तरह के बड़े बड़े लोग, फिर मैंने सोचा मैं बद्र खान ओके हो गया, ठीक हो गया, यही काम करना चाहिए। वेरी गुड। और एक बेहतरीन मुझे उन्होंने इन्वेलप भी दिया, उसके अंदर एक अच्छी खासी रकम थी। मैंने कहा जी पैसा भी मिलना इससे शुरू हो गया, किचन भी चलेगा, तो काम भी, तो बस यही करते हैं। ड्रामे के सालाना पैसे आपको अब एक प्रोग्राम मिल जाते हैं?
तो बदर खान साहब, आप राइटर भी हो गए, सुना को आपकी हिंदुस्तान से वो फिल्म भी आने वाली है। जी पंजाबी फिल्म लिखी, जी इंडियन पंजाबी फिल्म लिखी बारात बंदी। अच्छा, अगले एक दो महीने में वो रिलीज होने वाली, उसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले मैंने लिखा है जो, लेकिन उसका जो मेन प्लॉट था वो सरदार कमाल साहब उसके राइटर हैं, तो वो उन्होंने सुनाया मुझे कि यार ये एक प्लॉट आया मेरे जहन में बड़ा अच्छा, तो उसको डेवलप किया, तो वो आपका आइडिया था। चलो कोई बात नहीं, सरदार कुमार को समझाते कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो बदर खान साहब, अब आप अपने इस काम से मुतमिन हैं? मुतमिन हूं जी। फिर लाशारी साहब ने मुझे कहा कि बदर साहब, हमने कले के अंदर रॉयल किचन है, कले के अंदर जहाँ पर बादशाहों के लिए खाना पकता था, तो हमें वो मिल नहीं रहा था, तो हमने उसको ढूंढा है, उसको रेनोवेट किया है, बड़ी अच्छी जगह है वो, तो हम उसकी इनोग्रेशन पर दास्तान भी करना चाहते हैं, तुम कुछ कर सकते हो उस पे, लाहौर की दास्तान। तो फिर मैंने अगली स्क्रिप्ट खुद लिखी, दास्तान शहर लाहौर। वाह, मतलब उसके अब करीब 100 शोज होने वाले हैं। वो मेरी दास्तान सबसे ज्यादा पसंद की गई, वो पहला शो हमने वहाँ पर किया, रॉयल किचन के अंदर काफी बड़ी ऑडियंस बुलाई, तो वहाँ पर जो उसका पहला शो, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है बहुत जल्द हम अपनी ऑडियंस, अपने देखने वालों को दास्तान शहर लाहौर की इसी चैनल पे सुनाएंगे। लेकिन हम उसको जी, ये सरदार कमाल वादा कर रहे हैं मेरे साथ जी, मैं आपके साथ वादा कर रहा हूँ कि सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल पर, यूट्यूब के इस चैनल पर हम दास्तान शहर लाहौर की, बहुत लंबी है, तो हम उसको पार्ट्स में आपको सुनाएंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा, आपको लाहौर के बारे में नई नई बातों का पता चलेगा और आप समझेंगे कि हमने वो लाहौर आज तक नहीं देखा जो ये दास्तान को बयान कर रहा है। बदर खान जी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। बदर खान साहब, अगर आज दास्तान गो है तो मैंने वो दिन वो रातें वो इसकी मेहनत मैंने खुद देखी है, अपनी आंखों से देखी। मैं काम पे चला जाता था, मैं काम से वापस भी आता था, ये दीवानों की तरह याद कर रहा था दास्तान। तो मैंने एक दिन उसे कहा था कि यार बदर, या तो तू पागल हो जाएगा या हिट हो जाएगा, तो पागल होने से तो ये बच गया, हिट आपके सामने है। नाज़रीन, अब आप अपने सरदार कमाल को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। खुदा हाफिज़। वैसे सरदार साहब, हमने ये सारा एपिसोड उर्दू में कर दिया है। बदर खान साहब, आप उर्दू बोलने पे उतर आए, तो मैंने चाहा चले आज उर्दू में ही खत्म करते हैं। चले जी, ये भी बीच में एक फ्लेवर है। तो बस मेरी भी आपसे यही गुजारिश है कि सरदार कमाल ऑफिशियल यूट्यूब पे जाइए, सरदार कमाल ऑफिशियल लिखिए, वहाँ पर चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नए नए वीडियो और बहुत अच्छा कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये तो हम चैनल को सिर्फ वो एस्टेब्लिश करने के लिए और वो आपकी नज़रों में से गुजारने के लिए हम ये इंटरव्यूज़ का ये सेशन कर रहे हैं, इसके बाद हम एक शो भी करने वाले हैं और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल को जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया सरदार साहब। आपका शुक्रिया बदर खान जी। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, थैंक यू सर।